हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेके फिर से हाजिर हो गई हूँ और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत अच्छी लगेगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करें चैनल को। स्टार्ट करते हैं मेरी पहली टिप फ्रेंड, ये रोटी बनाने को लेकर है। तो जैसे हम रोटी बनाते हैं, तो जैसे रोटी बनाते बनाते कई बार देखिए हमारा ये जैसे ये बेलन होता है ऐसे रोटी पर चिपक जाता है, आटे पर चिपक जाता है और हम अच्छी तरह से रोटी बेल नहीं पाते हैं। तो इसमें बेलन में कई बार मॉइस्चर रह जाता है। तो इसको आप देखिए ऐसे गैस पर इसको हल्का सा ऐसे सुखा लीजिए रोटी बनाने से पहले, तो उससे आपका ये जो बेलन में हल्का फुल्का मॉइस्चर होगा, ये जो थोड़ा सा गीलापन होगा इसमें, वो ऐसे सूख जाएगा और आराम से हमारी रोटी बिल्कुल गोल गोल एक ही बार में आराम से बेल जाएगी, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। और इस तरह से हम अपनी रोटी बहुत आसानी से बना पाएंगे। तो इस तरह से हमारी फुली फुली और गोल गोल रोटी बनेगी। तो अगर फ्रेंड आपको मेरी ये टिप पसंद आती है तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करते रहें। तो चलिए चलते हैं मेरी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप फ्रेंड मेरी ये नींबू को लेकर है। अब गर्मी का मौसम आ गया है, गर्मी में नींबू बहुत ज़्यादा लगते हैं फ्रेंड, और हम काफ़ी क्वांटिटी में ले भी आते हैं इनको, लेकिन फ्रिज में ये रखे रखे कई बार ख़राब हो जाते, सड़ जाते हैं। तो इसके लिए मैं खास टिप बताती हूँ आपको। तो आप देखिए इस तरह से आप एक मस्टर्ड ऑयल ले लीजिए। तो ऑयल को आप अच्छी तरह से नींबू पर इस तरह से लगा लीजिए, जितने भी आप नींबू लाएँ उन पर अच्छी तरह लगा लीजिए। उसके बाद आप ये सिंपल पॉलीथीन में इसको डाल दीजिए और उसके बाद इस पर नोट लगा दीजिए। तो इसके बाद आप कितना भी टाइम नींबू को रखेंगे फ्रिज में बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, ऐसे कैसे आपको फ्रेश ही नींबू मिलेंगे। आप इस ट्रिक को जरूर यूज करें फ्रेंड। मैं जो ट्रिक यूज करती हूँ वही आपको बताती हूँ, और उनको आप भी फॉलो करके देखें और मुझे बताएं कि कैसी लगती है आपको ये ट्रिक्स। तो नेक्स्ट ट्रिक मेरी ये फ्रेंड ये जींस को लेकर है। तो जींस की जैसे ये जिप होती है फ्रेंड, ये टाइट हो जाती है और कई बार ये खुलती नहीं है, तो हमें खोलना बंद करना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है इसको। तो इसके लिए मैं आपको खास ट्रिक बताती हूँ जिसे आप ये आसानी से कर लें। आप ये वैसलीन ले लीजिए। वैसलीन तो फ्रेंड सबके घरों में होती ही है और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल भी होती है। तो इसको आप देखिए ऐसे फिंगर की हेल्प से आप ये जिप पर देखिए अच्छी तरह से अंदर और बाहर अच्छी तरह से लगा दीजिए। देखिए इसको लगाने के बाद आपकी ये जिप बिल्कुल ऑटोमेटिक आराम से खुल भी जाएगी और बंद भी हो जाएगी, बिल्कुल भी आपको ये जिप वाली जो प्रॉब्लम है आपकी बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरह से आप इसको अंदर बाहर अच्छी तरह से लगा दीजिए फ्रेंड। ये बहुत ही काम की यूजफुल टिप है। तो जींस जो की जो जिप होती है अक्सर ख़राब हो ही जाती है, ये बंद और लूज करने में बंद और खोलने में हमें बड़ी दिक्कत आती है। तो इस तरह से आप इस पर वैसलीन लगा दीजिए, उसके बाद इसको आप आराम से खोलिए बंद करिए, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इस वाली टिप को भी ज़रूर फॉलो करें और लाइक करते रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो कोई भी टिप अगर अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड से भी जरूर शेयर करें। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी ये फ्रेंड कंघों को लेकर है। तो कंघे जैसे हम करते हैं तो फ्रेंड हमारे गर्मी में हमारे हेयर में ऑयल हो जाता है और ये कंघों में भी ऐसे लग जाता है, जिससे हम इसमें करते हैं तो हमें बड़ी दिक्कत आती है। और कई फैमिली में जिनके सिर पे ऑयल लगा रहता है वो भी इससे कंघा करते हैं, तो अगर हम इससे करेंगे तो हमारे सिर में भी ऑयलीपन आ जाता है। तो इस तरह से आप टैल्कम पाउडर कोई भी ले लीजिए और कंघों पर इस तरह से आप इसमें डाल दीजिए। टैल्कम पाउडर सारे ऑयल को अपने में ऑब्जर्व कर लेगा। तो इस तरह से आप कंघा करेंगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो गर्मी के दिनों में वैसे भी हमारे बालों में पसीना आया रहता है, तो अगर कंघी हमारी ऑयल वाली होगी तो हमें बड़ी दिक्कत आएगी। तो इस वाली टिप को भी जरूर फॉलो करें। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप फ्रेंड मेरी ये स्टीमर को लेकर है। तो फ्रेंड अब ये मौसम ऐसा चल रहा है कि इसमें कफ या कोल्ड चलता ही हो ही रहा है और मुझे भी काफ़ी टाइम से हो रहा था। तो इसमें हमें स्टीम लेनी पड़ती है, डॉक्टर भी हमें कहते हैं कि स्टीम लो, जिससे आप जल्दी खांसी वगैरह से बचाव हो जाएगा आपका, जल्दी आपकी खांसी वगैरह ठीक हो जाएगी। तो मुझे भी काफ़ी टाइम से चल रही थी, तो मैंने इसमें स्टीम ली। तो स्टीम लेने का स्टीम तो फ्रेंड हम लेते ही हैं, लेकिन इसके लिए मैं आपको खास तरह की ट्रिक बताती हूँ जिससे आपकी खांसी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। आपको कफ या कोल्ड कुछ भी है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। आप दो लौंग ले लीजिए इस तरह से, और ये दो लौंग को आप पानी में ऐसे डाल दीजिए, उसके बाद इसको आप बंद कर दीजिए और बंद करके आप इसमें स्टीम लेंगे, तो बिल्कुल भी आपको जैसे जो आपकी खांसी बहुत पुरानी चल रही है वो भी ठीक हो जाएगी। फ्रेंड ये मैंने खुद अपने पे ये ट्रिक को फॉलो किया है और मुझे भी बहुत खांसी हो रही थी और ये बहुत जल्दी मेरी ठीक हो गई। इस तरह पे आप भी इस ट्रिक को ज़रूर यूज करें। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप फ्रेंड मेरी ये कॉम को लेकर ही है। जैसे कई बार हम किसी रिलेटिव के जाते हैं और जल्दबाजी में हम ना अपना कॉम लेके जाना भूल जाते हैं, और तो हमें उनके कॉम से ही करना पड़ता है। कई किसी के घर में जैसे जो मेंबर होते हैं उनकी जुएँ भी होती है, तो हमें बड़ा डर लगता है कहीं हमारे सिर में भी जुएँ ना हो जाए। इस तरह से आप एक देखिए पॉलीथीन ले लीजिए और पॉलीथीन को देखिए आप इस तरह कंघी पर लगा दीजिए। इसमें ऐसे प्रेस करके आप दबाएंगे तो कंघी पर, तो
इस तरह से देखिए आप इसको ऐसे प्रेस कर लीजिए। तो फ्रेंड जैसे हम किसी के घर जाते हैं तो उनको ये तो कहना अच्छा नहीं लगता कि भाई आपकी कंघी में कुछ तेल है या जुएं वगैरह कुछ भी है, तो इस तरह से आप एक पॉलीथीन उनसे आराम से ले लीजिए और आराम से इस तरह से आप इस पर कंघी पर पॉलीथीन इस तरह से लगा दीजिए और इसको पीछे अच्छी तरह से कर दीजिए। उसके बाद आप इसमें कॉम करेंगे तो आपके जो सिर पे ऑयल वगैरह या जुए वगैरह कुछ भी नहीं आएगी। तो मजबूरी में हमें करना तो पड़ता ही है कॉम वगैरह, कहीं जाते हैं और अगर आप अपना कॉम ना लेके जाएं तो आप भी इस वाली ट्रिक को ज़रूर फॉलो करें। अगर आप भी इस तरह से आपके साथ भी ऐसी हो जाती है तो एमरजेंसी में इस वाली ट्रिक को ज़रूर फॉलो करें और इस तरह से आप इसको पॉलीथीन को रख दीजिए, जब दोबारा ज़रूरत हो आप इसको यूज कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप फ्रेंड मेरी ये साबुन को लेकर है। तो फ्रेंड जैसे हम साबुन को यूज करते हैं, साबुन को तो यूज कर लेते हैं लेकिन इसका जो ये कवर होता है इसको तो हम फेंक ही देते हैं, इसको हम यूज नहीं करते हैं। लेकिन मैं आपको ऐसी टिप बताऊंगी जिससे आगे से आप इसको बिल्कुल भी नहीं फेंक। तो ये बहुत ही यूजफुल टिप होगी आपके लिए भी। तो इस तरह से आप एक सीजर ले लीजिए और सीजर से इसको आप देखिए जो ये कवर है इसको हम ऐसे काट लेंगे। तो मैंने इसको लंबा लंबा काटा हुआ है, आप चाहे तो इसको गोल भी काट सकते हैं, स्क्वायर भी काट सकते हैं, कोई भी शेप में आप काट सकते हैं। क्योंकि जो मैं टिप आपको बताऊंगी उसमें किसी तरह से भी ये कटा हुआ हो तो हर जगह हर तरह से ये यूज हो सकता है। तो मैंने इनको देखिए ऐसे लंबे काट लिया है। तो ये बहुत ही कमाल की टिप है। तो गर्मियों में आप इस वाली टिप को यूज करेंगे तो आप भी कहेंगे वाह बहुत अच्छी ट्रिक बताई है आपने। तो इस तरह से आप इसको काट लीजिए और काटने के बाद जो फ्रेंड हमारे पास सॉक्स होती है, सॉक्स में फ्रेंड हमारी स्मेल हो जाती है और कई बार धोने के बाद भी इनमें स्मेल नहीं जाती है। तो इस तरह से आप देखिए इनमें सॉक्स में ये ले लीजिए और इसको इस तरह से देखिए सॉक्स में रख के हम इसमें कवर कर देंगे सॉक्स को। इस तरह से आप गोल गोल करके, तो देखिए मैं बताती हूँ आपको, ऐसे गोल गोल करके इसको आप इस तरह से सारी सॉक्स को कवर कर दीजिए। और इसी तरह से मैं दूसरी वाली सॉक्स को भी कवर कर दूंगी। इस तरह से आपकी जितनी भी सॉक्स है आप फ्रेंड, आप सॉक्स में जिसमें आपने स्मेल आती है इस तरह से कवर कर दीजिए और जब भी आप इसको सॉक्स को निकालेंगे यूज करेंगे तो इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। तो ये बहुत ही कमाल की टिप है, तो टिप को ज़रूर फॉलो करें और लाइक भी ज़रूर करते रहे वीडियो को। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी फ्रेंड ये भी बहुत कमाल की है। तो जैसे झाड़ू, एक झाड़ू ले लीजिए और एक पुराना कोई भी मोजा हो आपके पास जो बिल्कुल वेस्ट हो, और कई बार एक मोजा गुम हो जाता है और एक बच जाता है। तो इस तरह से आप मोजे को ऐसे हाथों में डाल लीजिए और इस तरह से आप ये झाड़ू पर इसको मोजे को लगा दीजिए। और ये बहुत ही कमाल की टिप है, इसको भी ज़रूर फॉलो करें। उसके बाद आप मोजे को पानी से अच्छी तरह से थोड़ा गीला, थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का सा गीला कर लीजिए। कुछ हाथों से पानी ले, हाथों में पानी लेकर आप इसे अच्छी तरह से गीला कर लीजिए। तो मैंने इसको देखिए अच्छी तरह से गीला कर लिया है। अब मैं बताती हूँ आपको इसको कहाँ यूज करना है। तो बेड के नीचे जहाँ पर फ्रेंड हमारा हाथ नहीं जाता है और ना ही हम पोछे वगैरह से इसको साफ़ कर सकते हैं, तो इसमें बेड के नीचे हमारा बहुत ज़्यादा कूड़ा होता है, मच्छर वच्छर भी इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ पर गर्मियों के दिनों में तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है क्योंकि मच्छर भी नीचे बेड में जाके नीचे चले जाते हैं और निकलते नहीं हैं। तो इस तरह से देखिए आप इसको करिए साफ़, और ये देखिए सारी जुराब के ऊपर जितना भी आपका ये कूड़ा होगा या मच्छर वच्छर जो भी होगे सब जुराब पर आ जाएंगे, क्योंकि जुराब गीली होती है, गीली होने के वजह से ये सारा कूड़ा इस पर आ जाएगा। तो इस वाली टिप को भी आप इस तरह से यूज जरूर करें और इसके बाद आप जुराब को निकाल लीजिए और इसके बाद धो दीजिए। धोने के बाद आप भी जब भी इसको ज़रूरत हो और दोबारा इसको यूज कर लीजिए। तो ये बहुत ही कमाल की टिप है, अगर टिप अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। तो फ्रेंड मुझे भी कमेंट करके बताएं कि आज की वीडियो में से आपको कौन सी टिप्स अच्छी लगी, और अगर नहीं अच्छी लगी तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो अगर पसंद आती है तो लाइक करें और मुझे भी बताएं फ्रेंड। तो फ्रेंड अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे अगली वीडियो में। हैव ए नाइस डे फ्रेंड, बाय बाय।